वाराणसी में मंदिर परिसर के अंदर 31 जनवरी को चले अश्लील गानों पर बाढ़ मधुबालाओं के लगे ठुमके। बता दें कि यूं तो धर्म का ठेका धर्म के ठेकेदारों ने ले रखा है। बात अगर मंदिर या मस्जिद की जाए तो अभी तक अयोध्या और वाराणसी में भी मंदिर के लिए घमासान मचा है। तो अब पवित्र मंदिर में बार बालाएं ठुमके लगाएंगी और अश्लील गाना बजेगा। जी हां, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मंदिर की चाबी जिस व्यक्ति के पास थी जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसका नाम शनि मौर्य है। वो खुद को बीजेपी का नेता कहता है, जिसका उस इलाके में अच्छा खासा रौब है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 31 जनवरी को लगे इस ठुमके पर, अश्लील गानों पर जनता शांत क्यों है? पुलिस प्रशासन शांत क्यों है? इसी तरह मंदिरों में क्या ठुमके लगते रहेंगे? बता दें कि कुछ दिनों पहले का ये वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि 31 जनवरी 2024 में रात को प्राचीन लल्लापुरा के जगन्नाथपुरी मंदिर में थाना सिगरा वाराणसी में पवित्र धार्मिक स्थल पर मनगढ़ व्यक्तियों ने खुलेआम आस्था की धज्जियां उड़ाई। और सिर्फ धज्जियां ही नहीं उड़ाई, धज्जियां उड़ाते हुए शराब पीकर अस्थाई संरक्षक शनि मौर्य, जो कि खुद को बीजेपी नेता बोलता है, उसके नेतृत्व में मंदिर परिसर में बाढ़ मधुबालाओं को बुलाकर साथ में अश्लील गानों पर डांस किया जा रहा था। इन लोगों को क्षेत्रवासियों का भी अब कोई डर और भय नहीं है। इससे पहले भी लल्लापुरा में फर्जी तरीके से अवैध मकान निर्माण बता करके लोगों के मकान तोड़ने में ही शनि मौर्य का नाम सामने आया था, जो कि सिगरा पुलिस और माताकुंड चौकी प्रभारी के संज्ञान में आते ही उस पर तत्काल कार्यवाही हुई थी, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये अवैध मकान तोड़ा जा रहा है। हालांकि जब पुलिस एक्टिव हुई तो वहां से वो लोग भाग खड़े हुए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मंदिर में हुए इस अश्लील गाना बजाकर डांस करने वालों के खिलाफ जनता और प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती। लल्लापुरा पुलिस केवल मूक दर्शन बनी ये देखती रहेगी, इसे अनदेखा करेगी या इस पर कुछ काम करेगी, ये भी देखने वाली बात है। धन्यवाद।